बिहार में खुद को मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बताकर चर्चा में आई पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। इस बार तारापुर विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने अपनी प्लूरल्स पार्टी की ओर से अपने कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वो खुद तारापुर पहुंच रही हैं। मंगलवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवार वशिष्ठ नारायण के समर्थन में आयोजित जन चौपाल में उन्होंने एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल के दौर के बिहार की बदहाली की बातें दोहराई। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के काले कारनामों से बिहार और बिहारी एक गाली बन गया है। उनकी करतूतों से बिहार और उद्योग धंधे चौपट होते चले गए और बिहारियों को काम करने के लिए पलायन करना पड़ा और इसी के कारण गाली गोली खाने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों के कारण बिहार में बेरोजगारी की समस्या पैदा हुई वही अब रोजगार का वादा करते हुए घूम रहे हैं। पुष्पम प्रिया ने आगे कहा कि इस बार तारापुर से राजा और राजकुमारों को नहीं सेवक को चुनिए। इस बार तारापुर से उनको चुनिए जिनका कर्म राजनीति हो, उनको चुनिए जिसका व्यवसाय राजनीति हो। आपको बताते चले कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने मंगलवार को टेटिया बंबर प्रखंड के धौरी पंचायत, बनगामा पंचायत, भूड़ा पंचायत और टेटिया पंचायत में जन संपर्क किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन, प्रेस सचिव मुकेश, प्रमंडल प्रभारी सूरज, विधानसभा प्रभारी कन्हैया, मधुवाला काशिकांत, प्रमंडल प्रभारी सूरज, विधानसभा प्रभारी कन्हैया, मधुवाला काशिकांत, संजय, भरत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।